हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया ऑयल फ्री ब्रेकफास्ट। इसके लिए मैंने ले लिया है एक गाजर, एक स्मॉल टमाटर, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया की पत्तियाँ डालेंगे हम। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप ओट्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने बर्तन ले लिया है, एक कढ़ाई ले लिया, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक कप ओट्स, ओट्स को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब देखिए इसको हम लो फ्लेम पे के लिए रोस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें ये रोस्ट करने से एक अच्छी खुशबू आ जाती है। देखिए इसमें से एक मिनट हो गया ऐसे, और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने एक गाजर ली थी, इसे मैंने चॉप कर लिया। टमाटर उसे भी चॉप कर दिया, ठीक है। इसे भी इसी के साथ ही रोस्ट कर लेंगे। एक ग्रीन चिली बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। हरा धनिया इसे भी मैं कैंची से ही चॉप कर इसे काट लूंगी। इसमें जो धनिया की डंडियां आती हैं इसे जरूर डालें, इसका इससे इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ चलाते भी रहें, फ्लेम हमारा लो पे ही रहेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, बहुत एक छोटा सा चम्मच मैंने हल्दी का लिया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे, मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लिया है। और लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी, क्योंकि हमने हरी मिर्च इस्तेमाल करी है, ठीक है। अब ये देखिए सब मसाला हमारा इसमें आ चुका है। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें पानी। इसमें मैं 2 ग्लास पानी डालूँगी, देखिए 1 ग्लास, 2 ग्लास। दो गिलास पानी डालने के बाद में ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा उबलने लग जाएगा। इसमें एक उबाल आने दीजिए, देखिए इसमें उबाल आ गया और इस तरीके से पकने लगा, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। देखिए अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। मेरे कहने पे आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, फिर देखिए आप इसे रोज ही नाश्ते में खाएंगे। देखिए गर्मा गर्म कितना बढ़िया लग रहा है हमारा ओट्स का दलिया। ओट्स का नाश्ता आप ज़रूर बनाएं और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।